बाड़े में रहता हूँ। यहाँ क्यों आते हैं आप? ये मनेच्छा पुणे बाबा रामदेव का मंदिर है और मुसलमान लोग रामदेव पीर के नाम से जानते हैं इन्हें। और इनकी इतनी शक्ति है कि मेरी बच्ची एक देवती थी, देवती 3-4 बार मलखान हॉस्पिटल से लौटा थी कि इसमें खून नहीं है, ले जाओ इसको या खून चढ़वाओ। यहाँ से रोकर के फिर वो अपने हाथरस पहुंची, ससुराल पहुंची। हाथरस में भी ये कह दिया कि खून चढ़वाओ नहीं ये खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई हम नहीं लेते, कहीं कमी चले जाओ। तो मैंने यहाँ बुलाई और यहाँ इनके पास में लाया तो एक बार में ही वो सही है। और आज तक 10-12 साल की हो गई, क्योंकि 5-6 साल की नहीं, कुछ नहीं चढ़ाया है इन्होंने। अच्छा, कुछ नहीं चढ़ाया और उनकी शक्ति से ही खून भी हो गया, सब कुछ भी आज तक सही है। कब से आ रहे हो यहाँ पर? 7-8 साल हो गए यहाँ पर। क्या नाम है मंदिर का? ये बाबा रामदेव पीर मन इच्छा पूर्ण मंदिर है। अच्छा। और जो भावना लाते हो तुम अपने मन में वो इच्छा पूरी होती है। और मैं इनके पीर के पास भी, जैसलमेर जोधपुर, बाबा रामदेव के पीर के उस्ताद के पास भी घूम के आया हूँ इनके साथ ही। ये इतनी बड़ी शक्ति है कि मेरे पैरों में घुटनों में दर्द होता था और इतनी बाबा रामदेव के मंदिर की 80 सिद्धि है जिनके आया मैं, और 80 सिद्धियों पर आराम से चढ़ गया मैं वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है। मंदिर है, लोग हैं, आप यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, लोग यहाँ बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या है? ये बाबा रामदेव स्वयं विष्णु के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण अवतार हैं। इनका अवतार कृष्ण के बाद में हुआ है और बाबा रामदेव के दरबार में जो भी मनोकामना लोग मांगते हैं या जो भी रोग से ग्रस्त होते हैं, जैसे किसी को कैंसर हो जाए या गांठ हो जाए, जिसके पुत्र नहीं होता है, बाबा रामदेव सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके सभी दुख दूर करते हैं। और उसका जीता जाता प्रमाण हमारे मुल्ला जी हैं, इनकी एक बेटी थी, ये बोले हैं देवती थी इनकी, ये बोले वो कहीं पर सही नहीं हुई, ये ऑल इंडिया दिल्ली भी दिखा लाए। मैंने कहा एक बार आप बाबा रामदेव जी के दरबार में आ जाओ, तो ये बाबा रामदेव मन इच्छा पूर्ण मंदिर में आए और इनकी बेटी आज तक सही है। डॉक्टर भी ताज्जुब कर रहे कि आप कहाँ पर ले गए थे, जो इनकी रिपोर्ट इतनी नॉर्मल आ रही है। ये जो साइंस काम कर रही है, पूरे देश में साइंस बढ़ रहा है, तमाम लोग साइंस की तरफ जा रहे हैं, खोज हो रही है, हवाई जहाज पे जा रहे हैं, बगैर तार के आप बात कर रहे हैं, दुनिया में बात कर रहे हैं, तो क्या साइंस कुछ नहीं कर रही? साइंस फेल हो गया? नहीं, ऐसा है, मैं साइंस के बारे में तो नहीं कह सकता। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो अपार शक्ति है और वो कुछ भी कर सकती है। और कोई कहे, सबसे पहले जो ऑपरेशन किया था वो मेरे शंकर भगवान ने किया था, गणेश भगवान का, और इसीलिए ईश्वर है और रहेगा, कभी भी फेल नहीं हो सकता। डॉक्टर फेल हो सकते हैं, मगर ईश्वर कभी फेल नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? सुभाष बाबू लोधी। महावीर की जय। आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, साइंस पे विश्वास करते हैं, तो फिर जब विश्वास करते हैं, भगवान को विश्वास कर रहे हैं, साइंस पे विश्वास कर रहे हैं, भगवान पे विश्वास कर रहे हैं। भगवान के दरबार में किसी के भी, उसके कोई भगवान किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं बरतता है। मुल्ला जी आए हैं, इंसान क्यों जातिवाद कर रहा है? जाति के नाम पर इंसान क्यों देख रहा है? भगवान को मानते हैं, भगवान के यहाँ किसी के भी जाति नहीं है। सब लोग आए हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन इंसान क्यों जातिवाद पर बढ़ावा दे रहा है? ये ऐसा है, ये राजनीति के चक्कर में ऐसा हो रहा है। हमारे जो राजनीतिक नेता है वो अलग अलग धर्मों को बांट रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मगर ईश्वर एक है और एक रहेगा, और उसी की सारी संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो क्यों मानते हैं उनकी बात? राजनीति लोगों को क्यों बात मानते हैं? लोग क्यों कहते हैं कि ये जाति का? आप तो धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान के आए सबको बराबर का न्याय है, भगवान सब पर बराबर आशीर्वाद दिए हुए हैं, तो फिर इंसान क्यों ना, क्या जातिवाद खत्म नहीं होना चाहिए? हमें ये भी तो प्रण करना चाहिए मंदिर में जाने के बाद कि भाई हम लोगों के साथ छुआछात नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं बरतेंगे, क्योंकि सब में खून एक जैसे निकलता है, किसी में खून और जा अलग से निकलता है क्या? तो हम जब मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के यहाँ जा रहे हैं, तो भगवान के यहाँ हम ये भी तो प्रण करें कि हम किसी भी जाति के साथ, किसी भी छोटे व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं बरतेंगे, इस बात का प्रण नहीं लेते हम? लेना चाहिए ना, हमको लेना चाहिए। और उसका जीता जाता प्रमाण हमारे मुल्ला जी हैं और भी बहुत से लोग हैं, तो जो भगवान जी को कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जातिवाद खत्म, तो इंसान क्यों मानता है? और इसीलिए बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया और आज उनके दरबार में हर जाते हैं सभी मजहब के आदमी और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर आप क्या कहेंगे लोगों से, क्या निवेदन करेंगे कि जातिवाद खत्म करो, कहेंगे नहीं? मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाई
एक होकर रहें और भगवान की ईश्वर की चर्चा करें जिससे हमारा धर्म आगे बढ़ता रहे। जाति का नहीं कहेंगे, जाति का सर्व समाज सर्व जाति एक होकर रहे, मैं यही निवेदन करता हूँ। श्री बाबा रामदेव सतबुद्धि दे जो सभी हम एक होकर रहे। नाम पर सारी जातियों से हमें कुछ नहीं लेना, जाति कुछ नहीं होती है, एक धर्म ही सब कुछ होता है। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, तभी हमारा देश सुरक्षित तरफ जा सकता है और हम अनेक तरक्की करेंगे। जाति बाति फैलाएंगे तो इसमें हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम रामदेव जी महाराज को मानते हैं और रामदेव जी महाराज को सदियों से मानते हुए आए, वो हमारे पूर्व बुजुर्ग को भी मानते आए हैं और आस्था से ही सब कुछ मिलता है और विश्वास में ही परमात्मा मिलता है और परमात्मा का अलावा कोई संसार में नहीं है। इसलिए रामदेव जी महाराज ही हम मानते हैं और रामदेव जी महाराज को जो भी श्रद्धा से आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है और होती रहेगी और होती है। और वो तो पांच पीर थे, ये पीरों का भी पीर रामा पीर रामदेव जी महाराज है। इसलिए हम सभी लोग इन्हीं को मानते हैं और मानते आए हैं और मानते रहेंगे। एक को जानो, एक को मानो और जात पात का कोई भी भेद नहीं रखो, जात पात को हटा दो, क्योंकि एक तो एक ही रहेगा और एक को मानेगा वही सुखी रहेगा और अनेकता में जाएगा तो वो सुखी नहीं पाए। मेरा नाम उदय सिंह है जी। Oh, Ram Ji Maharaj ki jai।